Hey everyone, this is me, Queen of Kitchen, once again with a new recipe in the same old kitchen. So let's see what's that. तो ये है आज का dish of the day और इसके ingredients और written recipe आपको description box में मिल जाएगा. तो पहले हम शहद का सिरप बना लेते हैं. इसके लिए हमें चाहिए 5 टेबलस्पून शहद और 5 टेबलस्पून पानी. अभी हम शहद में पानी डाल के अच्छे से मिला लेते हैं और इसको साइड में रख देते हैं. और ग्लेज बनाने के लिए हमें चाहिए 1 टेबलस्पून कसा हुआ नारियल, ड्राई नारियल चाहिए, 4 टेबलस्पून मिक्स्ड फ्रूट जैम चाहिए और 4 टेबलस्पून पानी चाहिए. जैम आप कौन सी भी ब्रांड का ले सकते हैं. तो अभी हम पानी को एक पतीले में डाल के उसको उबालने के लिए रखते हैं. जैसे ही पानी उबलता है उसमें हम जैम डाल के अच्छे से मिला लेते हैं. इसको 2 मिनट के लिए कुक करना है. इसको अच्छे से मिला लीजिएगा. अब 2 मिनट होने के बाद इसमें हम जो ड्राई नारियल कसा हुआ लिया था, डिसिकेटेड कोकोनट पाउडर, तो उसको हम डाल देते हैं इसमें और इस गैस ऑफ करके इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं. तो ग्लेज रेडी है, इसको भी साइड रख लीजिएगा. ऑरेंज सिरप के लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून ऑरेंज फ्लेवर्ड जूस पाउडर. अगर आपको जूस पाउडर पसंद नहीं है तो आप फूड कलर यूज़ कर लीजिएगा ऑरेंज कलर का. 3 टेबलस्पून शहद चाहिए और 6 टेबलस्पून पानी चाहिए इसके लिए. तो अभी हम शहद में ऑरेंज पाउडर, ऑरेंज जूस पाउडर जो है उसको और पानी को डाल के अच्छे से मिला लेते हैं. अगर आपको ऑरेंज फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज़ प्लीज़ उसको स्किप कीजिएगा और ऑरेंज फूड कलर यूज़ कर लीजिएगा. तो इसको अच्छे से मिला के इसको भी साइड में रख दीजिएगा. और हमें 1 कप व्हिप्ड क्रीम चाहिए इसके लिए, तो इसको भी व्हिप करके रख लीजिएगा साइड में. तो अभी हम एक केक बोर्ड लेते हैं और उसके ऊपर फर्स्ट लेयर को रखते हैं. मैंने यहाँ पे 1-1 इंच के 2 लेयर्स लिए हैं. टोटली मैंने 500 ग्राम स्पॉन्ज केक लिया है जिसको मैंने 2 लेयर्स में काट लिया है. तो पहले चीज़ तो हमें हनी का, शहद का जो सिरप बनाया था हमने, उसको स्प्रेड करना है. इस तरह से पूरी तरह से स्प्रेड कर लीजिएगा केक पे, स्पॉन्ज केक पे, कोनों में भी अच्छी तरह से स्प्रेड कीजिएगा. तो अभी हम व्हिप्ड क्रीम भी स्प्रेड कर देते हैं इसके ऊपर. Spread it evenly. अभी इसके ऊपर हम दूसरा लेयर भी रख लेते हैं और इसके ऊपर भी हम शहद का जो सिरप है उसको लगा देते हैं. इस तरह से स्प्रेड कर लेते हैं. अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप शहद को ज़्यादा कर सकते हैं. ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं सिरप में. तो कोनों में अच्छे से लगा लीजिएगा. अभी इस पे हम ग्लेज को भी स्प्रेड कर देते हैं. जो जैम का ग्लेज बना के रखा था हमने, उसको भी स्प्रेड कर लेते हैं. तो इसको असेंबल करने से पहले सारे के सारे चीज़ें आप रेडी रखोगे तो बहुत ही इजीली बन जाता है ये हनी केक. अगर आपको वेनिला स्पॉन्ज केक कैसा बनाना है वो जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा. मैं नेक्स्ट टाइम उसका वीडियो बना के अपलोड कर देती हूँ.
ये स्पॉन्ज केक मैंने बाजार से लाए थे। थोड़ा टाइम का अभाव था तो इसलिए मैंने स्पॉन्ज केक को बाजार से ला दिया था। नेक्स्ट टाइम अगर आपको चाहिए वेनिला स्पॉन्ज केक की रेसिपी तो मैं बना के अपलोड कर देती हूँ। तो अभी हमें इस केक को इस तरह से काट लेना है। अभी बाहर की कोटिंग कर लेते हैं हम, जो हमने जूस बना के रखा था जो सिरप को, उसको हम प्लेट में डाल देते हैं। और हमें डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर चाहिए, इस तरह से प्लेट में डाल के रखिएगा ताकि केक को कोटिंग करते समय इजी हो जाएगी। तो दोनों को प्लेट में ही रखिएगा, जूस को और डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर को। तो अभी हम एक एक करके केक के पीसेस को लेंगे और इस तरह से जूस में डुबाएंगे और फिर उसको निकाल के कोकोनट पाउडर में इस तरह से कोट कर लेंगे और अलग से एक प्लेट में रख लेंगे। तो सारे पीसेस को ऐसे ही कीजिएगा, पहले जूस में डुबाइए फिर बाद में कोकोनट में डुबा दीजिए और रख दीजिएगा। तो अभी व्हिप्ड क्रीम से हम एक स्वर्ल सा बना लेंगे इस तरह से। और उस व्हिप क्रीम के ऊपर हम एक चेरी लगा देंगे। आप जैसे चाहो वैसे डेकोरेट कर सकते हो या प्लेन भी रख सकते हो। तो बेकरी में ऐसे बनते हैं हनी केक, तो आप बना के ज़रूर खाइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।